पेंशन में संशोधन विधेयक 2024। मूल अधिनियम की धारा 6 ख की उपधारा 2 में, 2 ख में जो सेकंड पैरा है, इसमें परंतु यदि कोई व्यक्ति इस उपधारा के अधीन पेंशन के अधिकार से वंचित हो जाता है तो उसके द्वारा पहले से ली गई पेंशन की रकम ऐसी रीति से वसूल की जाएगी जैसी विहित की जाए। इसको विलोप करने के लिए मैंने अमेंडमेंट दी है, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि बड़ी जल्दी में हम इन सारी बातों को लेकर ये अमेंडमेंट लेकर आए हैं। मुख्यमंत्री जी, आप कुछ चीजें जो तय कर लेते हैं फिर उसको लेकर आप सदन में चर्चा भी होती है, लेकिन उसके बाद मेरा निवेदन रहेगा कि चाहे यहाँ के सदस्य हों चाहे उधर उस तरफ के हों, कल भी टीसीपी पर भी आपकी ओर से बहुत से सदस्यों ने अच्छे सुझाव भी दिए और कहा कि ये सिलेक्ट कमेटी को जाए, लेकिन आपने उसको कल भी पास करवा दिया। इसको लेकर भी मैं इतना निवेदन करना चाहता हूँ, कोई भी संशोधन आता है उस संशोधन को वो पूर्व प्रभावी ना हो। इसमें तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप पुनर्विचार करें, सिलेक्ट कमेटी को भेजें और सारे इस विषय को बड़े आराम से हर विषय पर हर पहलू पर विचार करते हो उसके बाद निर्णय लें, ऐसा मेरा निवेदन रहेगा। लेकिन कोई भी अमेंडमेंट आती है तो आप इसमें, जैसा मैंने कहा गया कि इसमें लिखा गया है, लेकिन थोड़ी भाषा का जो प्रयोग किया गया मैं भी चाहूंगा कि इसमें स्पष्ट हो, परंतु यदि कोई व्यक्ति इस उपधारा के अधीन पेंशन के अधिकार से वंचित हो जाता है तो उसके द्वारा पहले से ली गई पेंशन की रकम ऐसी रीति से वसूल की जाएगी जैसी विहित की जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा आप भी स्पष्ट कर देंगे मुझे लग रहा है इसमें, और कोई भी अमेंडमेंट जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकती है, प्रोस्पेक्टिव हो सकती है, पूर्व से लागू नहीं होता है, आगे के लिए भविष्य के लिए जो है ये हो सकता है। लेकिन मैं तो इसमें इतना ही निवेदन करना चाहूंगा इस बिल में कि आप सिलेक्ट कमेटी बनाकर उस सिलेक्ट कमेटी को ये बिल भेजें, उसके बाद इस पर फैसला हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, धन्यवाद।